हम देखेंगे हाउ टू रिजॉल्व कोविन वैक्सीनेटर ऐप ओटीपी प्रॉब्लम लॉगिन प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, कोविन वैक्सीनेटर ऐप में ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि जब आप अपना नंबर एंटर करके और ओटीपी के लिए जब आप सबमिट करते हैं तो ओटीपी नहीं आ रहा है मोबाइल में। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमने रिजॉल्व कर ली है, उसका सॉल्यूशन हम आपको आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोविन वैक्सीनेटर ऐप में प्रॉब्लम क्या आ रही थी। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लॉग इन यूजिंग ओटीपी, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जब आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पे यहाँ पे ओटीपी नहीं आएगा। मे भी हो सकता है ऐप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो या पता नहीं क्या इशू है जो ओटीपी नहीं आ रहा, हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो, जो भी इशू हो पर इसमें ओटीपी नहीं आ रहा है। तो अभी इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसकी वेबसाइट में जाके हम कोविन वैक्सीनेटर की जो वेबसाइट है जो kovin.gov.in है उसमें हम लॉग इन करके अपनी आगे की प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम कैसे वेब में लॉग इन करना है, कैसे वहाँ पर ओटीपी आएगा, सारा कुछ हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि हमारा कोविन वैक्सीनेटर ऐप में कुछ ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी हम क्या करेंगे कि अपना कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए, या तो आप गूगल में एंटर कर लीजिए kovin.gov.in, या तो आप यूआरएल में एंटर कर लीजिए kovin.gov.in। ऊपर आपको यूआरएल दिखाई दे रहा है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यूआरएल दे दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्टर / साइन इन योर सेल्फ, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब आपको रजिस्टर करने के लिए या आपको साइन इन करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप नीचे साइन इन विथ आरोग्य सेतु ऐप से भी कर सकते हैं और उमंग ऐप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम मोबाइल नंबर से यहाँ पर ओटीपी के थ्रू साइन इन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपना नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों मेरे मोबाइल में अभी ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है। नीचे आपको दिखाई दे रहा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू योर मोबाइल और यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे ही आप मोबाइल नंबर का ओटीपी एंटर करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब यहाँ पे आप अपने पोर्टल में या जो आपकी प्रोफाइल है आप उसमें आ चुके हैं। तो मेरी मदर को क्योंकि एक बार वैक्सीनेशन हो चुका है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्शियली वैक्सीनेटेड लिख के आ रहा है और यहाँ पे डोज 1 अपॉइंटमेंट डिटेल नॉट अवेलेबल, उसके नीचे आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने वैक्सीनेशन करा चुके हैं और अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है या अगर आपका सर्टिफिकेट गुम गया तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे ड्यू डेट जो आपकी सेकेंड जो ड्यू डेट है उसके लिए भी यहाँ पर शेड्यूल करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप शेड्यूल करेंगे शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शेड्यूल नाउ का ऑप्शन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना जो अपॉइंटमेंट है उसको यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका सेकंड डोज है उसके लिए यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और अगर आपने पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो उसकी प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पे सिंपली अभी मेरे को ये बताना था कि जो आपकी ओटीपी प्रॉब्लम थी कोविन वैक्सीनेटर ऐप की उसको हम वेब में जाके भी रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि आप वेब में भी लॉगिन करके वहाँ की प्रोसेस यहाँ पे भी पूरी कर सकते हैं। ऊपर आपको लॉगआउट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको अपनी प्रोफाइल से लॉगआउट करना है तो ऊपर आपको लॉगआउट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने कोविन वैक्सीनेटर ऐप में जो ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा था उसका हमने एक अल्टरनेट देखा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।